जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में तुक्का लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते रहते हैं कि कैसे तुक्का लगाएं कि हमारा 50 में 40 सही हो जाए। नहीं, तो तुक्का लगाना भी चाहिए, क्वेश्चन छोड़कर तो आना नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तुक्का लगाना है कैसे, जिससे कि क्वेश्चन आपका सही हो, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2023 में तुक्का लगाने का सबसे बेहतर तरीका, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, अंत तक जरूर देखना है। अब अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑप्शन में कैसे तुक्का लगाया जाता है। तो केवल आप हमको 5 मिनट समय दीजिए, फिर देखिए आपका कितना अच्छा मार्क्स आता है। तो आज हम बात करेंगे कि 50 में 40 अंक सही होगा, बट कैसे सही होगा उसी के बारे में समझेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहता है वो 50 रहता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को 50 सही, 100 प्रश्न रहता है जिसमें से आपको 50 बनाना होगा। तो 50 में आपका कितना सही होगा उसी चीज के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम रूल नंबर फर्स्ट को समझेंगे कि हमारा क्या है सही तरीका। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आप प्रश्न को सही सही पढ़ें। दोस्तों आपके सामने जब प्रश्न कॉपी आएगा तो वहां पर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक कैसे लगाइएगा तुक्का। तो आप एक काम जरूर करिएगा, पहले क्वेश्चन को सही सही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जो प्रश्न सही सही आता है उसको पहले बना लीजिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 50 प्रश्न है, टोटल कितना है 50 प्रश्न। अब इसमें से मान लीजिए कि आपको 20 प्रश्न आता है, 20 प्रश्न आता है, ठीक है। तो 20 प्रश्न को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, 20 प्रश्न को आप सबसे पहले सही सही बना लें, उसको ओएमआर शीट में भर लें। अब ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है इसके लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो उसको क्या करना है कि 20 क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि सही सही आ रहा है और 30 क्वेश्चन इधर जो शेष बच रहा है, 30 क्वेश्चन जो शेष बच रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे तुक्का मारेंगे। तो 20 तो मान लीजिए आपका सही सही बन गया, तो उसको भर दीजिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन, इस 30 क्वेश्चन को सही करना है, बट कैसे सही होगा उसी चीज को समझते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा है रूल नंबर सेकंड, सेकंड में दिया है। अब जो शेष प्रश्न बच जाता है दोस्तों, शेष प्रश्न कितना बच गया, 30, यानी कि उसको अब तुक्का लगाना है। अब कैसे तुक्का लगेगा अब उसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये 100% काम करेगा और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करता है और उसको अच्छा नंबर आता है। तो आप लोग भी सीख लें और आप लोग भी अच्छा नंबर लाएं। तो सबसे पहले 10 प्रश्न में यानी कि जो भी ऑप्शन है उसमें बी और सी को भरना है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो 10 प्रश्न बच जाता है, ठीक है, स्टार्ट से यानी स्टार्टिंग में मान लीजिए कि स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको 10 प्रश्न को आपको बी और सी भरना है। बी और सी दोनों, इसी दोनों को भरना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। तो अगर बी और सी को भरते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि बी और सी को भरने से हमारा जो है सही कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। दोस्तों अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है। अब जो शेष प्रश्न बच रहा है, बच जाता है, उस प्रश्न में ए और डी को मारे। देखिए आपने 20 प्रश्न पहले सही कर लिया, ठीक, 10 प्रश्न में आप क्या किया, बी और सी ऑप्शन मारा है, ठीक है। फिर देखिए 10 प्रश्न में बी और सी को मारे हैं, फिर उसके बाद देखिए अब जो उसमें जो बच रहा है कितना, 30 प्रश्न, नहीं 30 प्रश्न हो गया ना, तो 20 प्रश्न बच रहा है। 20 प्रश्न में आपको 10 प्रश्न में, 10 प्रश्न को ए और डी मारना है। कितना मारना है, ए और डी, ए और डी दोनों में से ही किसी एक को मारिएगा 10 प्रश्न में। और बनाते समय आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा कि कितना में 10 मारे, कितना में डी मारे और कितना में ए मारे। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 10 क्वेश्चन में कितना मार दिए हैं, ए और डी, तो ए और डी मार दिए हैं, तो टोटल कितना कवर हो गया, 40 क्वेश्चन। अब देखिए 40 क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर हमारा मार्क्स है वो कितना आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 में और वहां पर पूरा क्लियर से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो यहां पर रूल नंबर 4 है इसमें है कि हमने आपको बताया है कि माना आपने 50 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही सही भरा है, ठीक है। अब जो 30 प्रश्न बचता है उसमें से अब हम 15 15 की बात करेंगे, 15 15 का ही बात करेंगे,
ठीक है। तो 15-15 का बात करेंगे तो यहां पर देखिए 15 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बी और सी मारना है, जो कि हम पिछले रूल नंबर 3 में बताए हैं, बी और सी मारना है। फिर जो 15 क्वेश्चन बच जाता है उसमें आपको ए और डी मारना है, कितना, ए और डी, ठीक है। अब देखिए अगर इस ऑप्शन बी और सी को मारते हैं तो आपका सही कितना होगा, तो हम बता दें कि आपका सही जो होगा वो 10 प्रश्न सही होगा। कितना प्रश्न सही होगा, 10 प्रश्न सही होगा, ठीक है। फिर इसमें से 15 अगर एडी मारते हैं तो यहां पर भी आपका 10 प्रश्न सही होगा। तो अब बताइए आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया। तो अब यहां पर जो आपका टोटल मार्क्स हो गया है वो कितना हो गया, तो 50 में आपने तो 20 पहले ही सही कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचा उसमें 15-15 मारे हैं तो 10-10 दोनों में सही हुआ, 10-10 20 ही मारे हैं 15 तो उसमें से आपका 10 सही हुआ, एडी मारे हैं 15 तो इसमें आपका 10 सही हुआ। अब बताइए यहां पर टोटल कितना सही हो गया, तो 20-20 कितना, 40, यानी कि आप 50 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं, वो भी तुक्का के माध्यम से, तो बताइए आपका सही होगा या नहीं होगा। तो ये 100% श्योर है कि आपका निश्चित रूप से 50 में 40 मार्क्स आएगा और वो भी सही का सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन इधर उधर में आप मार दीजिएगा तो हो सकता है उसमें आपका 5 सही हो, आप अपना लक अजमाइएगा और देखिएगा कि आप कितना लक्की हैं। तो वहां से अगर 5 सही हो जाता है तो आपका टोटल 45 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से हम आपको 40 मार्क्स दे रहे हैं अपना तरीका से, और आप 10 क्वेश्चन को बनाइए, हो सकता है उसमें 5 सही हो, 3 सही हो और 10 में 9 सही हो जाए तो और अच्छा। तो इस तरह से दोस्तों आप तुक्का लगा सकते हैं एग्जाम हॉल में, और ये 100% गारंटी है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 50 में 40 सही होगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।